क्या आपके हेयर्स भी मेरे तरह ऐसे बहुत ज़्यादा रफ, बेजान और डैमेज्ड है, या फिर कर्ली हेयर्स है? आप अपने हेयर्स को स्ट्रेटनिंग या फिर स्मूथनिंग या फिर केराटिन ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, लेकिन आप सलोन से नहीं करवाना चाहते, घर पे कोई ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। अब देखिए, मैंने बस एक बार ही घर में स्ट्रेटनिंग क्रीम को यूज़ किया है और आप मेरे हेयर्स पे फ़र्क बिल्कुल देख सकते हैं, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अब मैं दोनों हेयर्स को बिल्कुल साइड एंड साइड रख के आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए दोनों हेयर्स में कितना ज़्यादा फ़र्क है, मतलब मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक बार यूज़ से ऐसा भी हो सकता है। वीडियो को पूरा देखिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। हे एवरीवन, आई एम रुंटी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो उन सब लड़कियों के लिए बहुत खास होने वाला है जो अपने बालों पे केराटिन स्मूथनिंग या फिर स्ट्रेटनिंग करवाना चाहते हैं। वैसे तो हम सभी को स्ट्रेट, स्मूथ, सिल्की, शाइनी हेयर बहुत पसंद आते हैं, पर सलोन जाना और उसको केमिकली ट्रीट करना, रेगुलर स्ट्रेटनर यूज़ करना, इन सब चीज़ों से हमारे बालों को डैमेज आता है। क्या ऐसा हो सकता है हम घर पर DIY रेमेडी यूज़ करके बालों को स्ट्रेट बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा रफ है, ड्राइनेस है उनमें, आपके हेयर जल्दी जल्दी नहीं सुलझते हैं, जब भी आप कॉम करने जाते हो हेयर बहुत ज़्यादा टूट के गिरते हैं, तो ऐसे बालों के लिए आज की रेमेडी बिल्कुल मैजिकल होने वाली है। इसमें बस आपको दो ही इंग्रेडिएंट लगेंगे और आपके बाल एकदम परमानेंटली स्ट्रेट हो जाएंगे। कैसे क्या करना है मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, सो वीडियो को आपको कहीं भी स्किप नहीं करना है। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसका प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे कोई भी वीडियोज को मिस ना करें, क्योंकि ऐसे इफेक्टिव वीडियोज में रेगुलर लाती रहती हूँ। मैं जो हेयर केयर और स्किन केयर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो मैं खुद अपने बालों पर यूज करती हूँ, और जिसमें मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है, जिसमें गारंटी होता है, वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसा कोई भी केमिकल चीज़ें आपको रिकमेंड नहीं करती हूँ जो आपके बालों को हार्म करे। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे बालों की क्या हालत हो गई है, पूरे डैमेज हो गए हैं, मैं बिल्कुल हेयर केयर नहीं कर पाई हूँ। तो इस हेयर को मैं कैसे सुधारूंगी, आज आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। आज जो मैं स्मूथनिंग क्रीम बनाऊंगी इसमें मैं कोई केमिकल चीज़ें अप्लाई नहीं करूंगी, ये आप खुद देख पाओगे। इसको आप अपने स्कैल्प से बिल्कुल हेयर टिप तक अप्लाई करोगी। अगर आप इसको स्कैल्प में अप्लाई करते हो तो आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो फास्ट हो जाएगी। अगर आपके हेयर बहुत टाइम से लॉन्ग नहीं हो रहे तो लॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, बस आपको एक चीज़ करनी है, आपको इसको एक बार यूज़ करके स्टॉप नहीं कर देना है, आपको रेगुलर अप्लाई करनी होगी, तभी आपका हेयर ग्रोथ जो है आपको विजिबल होगा। ऑल्सो इस रेमेडी को आप बना के 1 हफ्ते से 10 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो और इसको कभी भी यूज़ कर सकते हो। बनाना और यूज़ करना बहुत ही आसान है, और अगर आप वर्किंग हो, अगर आप स्टूडेंट हो, स्कूल या कॉलेज जाते हो रेगुलर, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसको बनाने में सिर्फ 5-6 मिनट लगेंगे और बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। मैं जो भी रेमेडी बनाती हूँ वो मैं सबका सोच के ही बनाती हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बहुत सारी बातें कर ली, कोई टाइम वेस्ट नहीं, सीधा चलते हैं वीडियो में। सो इस हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम को बनाने के लिए हमें चाहिए कोकोनट मिल्क 1 ग्लास और राइस फ्लावर। राइस फ्लावर कैसे बनाते हैं घर पे, ये मैं आपको बता दूंगी। अभी हम देख लेते हैं कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहले हमें ले लेना है कोकोनट मिल्क, ये हम कढ़ाई पे चढ़ा दे रहे हैं, और ये जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हमें इसके अंदर राइस फ्लावर को ऐड करना है। आप देख सकते हैं इस मिल्क में थोड़ा थोड़ा करके उबाल आ गया है, मतलब ये राइट टाइम है चावल के आटे को ऐड करने का। चावल का आटा हमें इस मिल्क में ऐड करते ही साथ ही साथ इसको मिक्स कर देना है, और उसको मिक्स करते ही रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, तो वो जो राइस हमने ऐड किया है वो जम जाएगा। हमें बिल्कुल इसका एक क्रीमी बेस तैयार करना है। उस बीच में आपको राइस फ्लावर कैसे बनाते हैं वो दिखा रही हूँ। आपको 4 से 5 घंटे के लिए चावल को ऐसे पानी में भिगा के रखना है। फिर अब देख सकते हैं ये थोड़ा सा भीग गया है, आपको ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, सिर्फ 4 से 5 घंटे ही रखना है। फिर आपको चावल को ऐसे एक सूखे कपड़े के ऊपर ऐसे बिछा देना है ताकि इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए। अब देख सकते हैं थोड़े देर में सूख जाएगा, ये सूख गया है। अभी हम इसको ग्राइंडर में डाल देंगे और इसका आटा निकाल लेंगे। आपको एक स्मूथ सा आटा बनाना है
तभी ये जो मिक्सा है बन पाएगा। आप ऐसे आटा बना के रख सकते हैं, ये फेस स्क्रबिंग के लिए बहुत काम आता है। सो अभी आप देख सकते हैं मैं क्रीम बना रही हूँ और इसको हमें बिल्कुल भी एक मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं है, ऐसे ही हिलाते रहना है तभी ये क्रीम बेस पे बनेगा। अभी ये लगभग रेडी हो गया है, हम अभी गैस को बंद कर देंगे क्योंकि ये थोड़ी देर जब ठंडा होगा तभी तक ये और भी टाइट बन जाएगा। अगर हम बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो हमें हेयर्स पे अप्लाई करने में परेशानी होगी, तो ऐसे ही हमें अभी गैस को बंद कर देना है। क्रीम जब ठंडा हो जाए तब हम उसको एक बोल में निकाल लेंगे और फिर उसमें हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। ये होममेड एलोवेरा जेल है, मैंने एक एलोवेरा प्लांट लिया था और उसके अंदर का जेल पार्ट निकाल के इसको ग्राइंडर में पेस्ट करके मैंने ये जेल बनाया है, उसी को मैंने इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये बन गया है हमारा सुपर हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम। अब मैं इसका अप्लाई आपको दिखाऊंगी। इस क्रीम को अप्लाई करने से पहले आपको अपने हेयर्स को अच्छे से शैम्पू वॉश कर लेना है। मतलब मैंने कल से शैम्पू वॉश करके रखा था तभी मैं आज इसको अप्लाई कर पा रही हूँ। तो हमें हेयर्स के ऐसे छोटे छोटे सेक्शनिंग करनी है। अगर आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा थिक है तो आपको बहुत पतले पतले सेक्शन निकालने होंगे। आप देख सकते हैं मैंने कितना कम हेयर्स लिया है और तभी मैं अपने पूरे हेयर स्पेस को अप्लाई कर पाऊंगी। मेरे ऊपर के हेयर्स थोड़े स्ट्रेट हैं इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ। अगर आपके बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर्स हैं तो आप बिल्कुल रूट से इसको अप्लाई करना। जब पूरे हेयर्स पे ये स्ट्रेटनिंग क्रीम अच्छे से अप्लाई हो जाए तो आपको 30 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देना है। आप चाहे तो बन बना सकते हैं या फिर अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऐसे ही इसको छोड़ सकते हैं। सो एक घंटा हो गया है, अब मैं अपने हेयर्स को वॉश कर रही हूँ। हमें बहुत अच्छे से अपने हेयर को वॉश कर लेना है और फिर जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे अप्स एंड डाउन्स करके हेयर को वॉश करना है, तभी आपके हेयर्स ऐसे स्ट्रेट बन पाएंगे। सो हेयर सूख जाने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा आया है, मतलब मैं खुद ही हैरान हूँ कितना ब्यूटीफुल हेयर हो सकता है एक ही यूज में। आई होप वीडियो आपको यूजफुल लगी है। तो ऐसे इफेक्टिव वीडियोस रेगुलर पाने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अगर आप मेरे रेगुलर पोस्ट देखना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।